वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें जो पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग की है, नॉन टेक्निशियन एंड स्टाफ की है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें हवलदार की भी है, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि मैंने इसमें एक पीडीएफ भी अटैच किया है जो ऑफिशियली एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है वहाँ से, तो उसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी वो 12,000 से भी ज़्यादा रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप इसमें की जो स्टार्टिंग डेट है आज से चालू हो चुकी है, बट जो लास्ट डेट है वो बहुत ही जल्दी डिक्लेयर की जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे कि आपको पता ही, इसमें CBT बेस्ड टेस्ट होता है जो कि 1 से लेकर 29 सितंबर के बीच में हो जाएगा। और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सैलरी का लेवल 1 पे आपकी सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन थोड़ी ठीक ठाक है, यानी कि 10th तक है तो हर कोई भर पाएगा नॉर्मली। इसके लिए एज लिमिट क्या है, 18 से 25 साल है। बट क्या होती है इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिसमें कि OBC कैंडिडेट जो होते हैं उनको 3 साल का मिल जाता है, और जो SC ST कैंडिडेट्स होते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें एप्लीकेशन फ़ीस। इसमें नॉर्मली 100 रुपये होती है, और अगर आप फीमेल SC ST और एक्स सर्विस मैन है तो इसमें आपका फ़ीस नहीं लगता, आपके लिए ये माफ़ होता है। फीस जो है आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और कैश्रो SBI चलान के थ्रू कटवा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका केवल। और अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपका CBT तो होगा ही होगा, साथ के साथ PET होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, या फिर PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसे आपको क्लियर करना होगा, देन आपका सिलेक्शन होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है। तो क्या होता है इसमें, ये 2 सेशन में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें हमारा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सेकंड में हमारा रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा 60 क्वेश्चन टोटल रहता है दोनों सब्जेक्ट में। उसके लिए आपको क्या रहता है, 45 मिनट्स मिलते हैं, मैक्सिमम आपको 60 मिनट मिलते हैं, बट ये कुछ ही कैंडिडेट्स को मिलता है, हर कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता है जो कि इसके अंडर में आते हैं सिर्फ उन्हें। सेकंड सेशन में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 75 टोटल। ये क्या होते हैं, ये जो 75 है सॉरी नंबर है, 60 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, और जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं करने के लिए, और 60 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें आपका 75 नंबर का रहेगा, और इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे कि इसमें भी आपको 45 मिनट दिया जाता है। CBT टेस्ट होता है इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। अब ये है वो नोटिस जो SSC की तरफ से ऑफिशियली आउट हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट द नोटिस फॉर मल्टी टास्किंग स्टाफ एंड हवलदार CBSE एंड CBN एग्जामिनेशन 2023 वॉज वॉट टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी पब्लिश्ड ऑन 14 जून इज नाउ रेशेड्यूल। मतलब ये 14 तारीख को ही निकलने वाला था, बट ये 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए। आई होप वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर करें कीजिएगा, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके और मैं मोटिवेट हो सकूँ और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।